नमस्कार प्यारे भैया बहनों, मैं शंकरदान चारण आज फिर से आपकी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इससे पीछे की जो कक्षा थी उसमें आपने सीखा था सूत्र एकादिकेन पूर्वेण का अर्थ, उसका अनुप्रयोग और उसके द्वारा जोड़ करना जो है वो हमने इससे पीछे वाली कक्षा में सीखा था, और उसके साथ में एक न्यूनेन पूर्वेण जो है उसके बारे में भी समझा था, एक न्यूनेन पूर्वेण का अर्थ समझा था। आज आगे की जो कक्षा है इसके अंदर हम करेंगे सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण विधि से घटाव। एक न्यूनेन पूर्वेण जो विधि है उसको हमने समझ लिया, अब हम करेंगे इससे घटाव करना, घटाव कैसे करते हैं। सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण विधि से जब हम घटाव करते हैं तो उससे पहले हमारे को एक नई चीज़ और सीखनी पड़ेगी, परम मित्र अंक। परम मित्र अंक जो है वो क्या होता है इसकी भाषा समझ लेते हैं पहले हम। परम मित्र अंक क्या है? परम मित्र अंक होते हैं ऐसे दो अंक जिनको आपस में जोड़े तो उनका योग 10 होता है। जिन दो संख्याओं को जोड़ने पर उनका योग 10 होता है वे संख्याएं आपस में एक दूसरे की परम मित्र होते हैं, वो आपस में एक दूसरे के परम मित्र अंक होते हैं। जैसे अंक हम लेते हैं एक, एक का परम मित्र अंक कितना होगा? 9। अंक लेते हैं दो, दो का परम मित्र अंक होगा 8। दो को 8 को जोड़े कितने होते हैं? 10। एक और 9 को जोड़े कितने होते हैं? 10। तीन का परम मित्र अंक होगा 7। चार का परम मित्र अंक होगा 6। पाँच का परम मित्र अंक होगा 5। इसी प्रकार से आगे देख लेते हैं, 6 का परम मित्र अंक होगा 4। 7 का परम मित्र अंक होगा 3। 8 का परम मित्र अंक होगा 2। और 9 का परम मित्र अंक होगा 1। इस प्रकार से इन दोनों संख्याओं को अगर आपस में जोड़ें तो इनका योग 10 होता है, और ये आपस में एक दूसरे के परम मित्र अंक है, परम मित्र है एक दूसरे के। ये इनकी सहायता से आगे का जो घटाव का काम है वो हम इसमें करेंगे। सूत्र है अपना एक न्यूनेन पूर्वेण विधि से घटाव। वैदिक गणित में घटाव करने का एक तरीका और भी है, एक न्यूनेन पूर्वेण विधि, इसके अलावा एकादिकेन पूर्वेण विधि भी है, वो हम आगे वाली कक्षा में सीखेंगे या फिर आगे वाली जो प्रश्नावली है उसमें सीखेंगे। एक न्यूनेन पूर्वेण विधि से घटाव करना, इसमें हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे संख्या है 43 और 17, इनका घटाव करना है अपने को। ऊपर संख्या दे रखी है 3 और नीचे संख्या दे रखी है 7, तो 3 में से 7 घट सकते हैं क्या? नहीं घट सकते। तो 3 में से 7 घटाने के लिए हमें क्या करना होगा कि नीचे का जो अंक है उस अंक का परम मित्र अंक लेना है। जैसे नीचे संख्या कितनी है इसके अंदर? 7 है, तो 7 का परम मित्र अंक कितना हो गया? 7 का परम मित्र अंक हो गया 3। वो जो 3 परम मित्र अंक है उसको हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या के अंदर क्या कर देंगे? जोड़ कर देंगे। 7 का परम मित्र अंक आया था 3, 3 के अंदर हमने 3 जोड़ दिए, 3 में क्या कर दिया? 3 परम मित्र आया था, उसमें ऊपर वाला अंक 3 है वो प्लस कर दिया, तो 3 और 3 कितने हो गए? 6 हो गए। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब अगर इस घटाव को करने में हमने परम मित्र अंक की सहायता ली है तो इसके आगे वाला जो अंक है उसका एक न्यूनेन करना पड़ेगा, एक न्यून करना पड़ेगा। तो आगे वाली संख्या 4 है, 4 का एक न्यून कर देंगे, इसके नीचे एक न्यून का चिन्ह लगा देंगे। चिन्ह लगाते समय ध्यान रखना है कि ये 4 के नीचे लगा रहे तो 4 के नीचे दिखना चाहिए, ऐसे बीच में नहीं लगाना। अगर बीच में लगा दिया तो पता नहीं चलता है परीक्षक जो कॉपी जांच करता है उसको कि ये इसके नीचे है या एक के ऊपर है, कहाँ पर है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है कि इसके नीचे लगाना है तो नीचे ही लगाना है। अब यहाँ कितना हो गया? 4 में से एक न्यून हो गया। एक न्यून का हमने समझा था, एक न्यून का मतलब एक कम, तो 4 में से एक कम हो गया, कितना हो गया? 3 हो गया। अब 3 में से एक घटा दिया, फिर कितना रह गया यहाँ पर? 2। एकदम सीधा सा तरीका, साधारण सा तरीका हो गया। अब उसके बाद में आगे का एक उदाहरण और लेंगे, 56 में से 39 घटाने हैं। 56 में ऊपर 6 है, नीचे 9 है, 6 में से 9 घटते हैं क्या? नहीं घट सकते। तो क्या करेंगे? हाँ, 9 का परम मित्र अंक लेंगे। 9 का परम मित्र अंक कितना होगा? 1।
अच्छा ठीक है, एक आ गया। एक का क्या करेंगे, ऊपर वाले अंक में जोड़ना। उस एक को ऊपर वाले अंक में जोड़ दिया तो कितना हो गया, सात हो गया। तो यहाँ कितना लिख देंगे, सात। अब इस संख्या में हमने परिमित्र अंक लिया है तो आगे वाली संख्या का क्या कर देंगे, एक न्यून कर देंगे। यहाँ आ गया एक न्यून। अब यहाँ आ गए चार, चार में से कितने घटाने हैं, तीन घटाना है, सीधा सा काम है। चार में से तीन गए, पीछे रह गया एक। अब उसके बाद में एक थोड़ी सी बड़ी संख्या का उदाहरण लेते हैं। ऊपर आठ है, नीचे चार है, आठ में से चार घट रहे हैं क्या, सीधे घट रहे हैं, एकदम सीधे घट रहे हैं, तो अपने को परिमित्र अंक की आवश्यकता हुई नहीं हुई, सीधा घट रहा है, सीधा घट रहा है तो सीधा घटा देंगे। आठ में से चार गए, पीछे कितने रहे, चार। अब जब हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं आई, सीधा अगर घट गया, परिमित्र अंक की हमें आवश्यकता नहीं पड़ी, तो क्या आगे वाली संख्या का एक न्यून करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि ये न्यून तो तभी करना है जब पीछे वाली संख्या में परिमित्र अंक का सहयोगी लेते हैं। यहाँ परिमित्र अंक का सहयोग नहीं लेना पड़ा अपने को, इसलिए यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा दो, और यहाँ कितने हैं, सात। दो में से सात जाते हैं क्या, नहीं जाता, नहीं जाता, तो क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या का परिमित्र अंक लेंगे। नीचे अंक कितना है, सात, सात का परिमित्र अंक कितना हो गया, तीन। तो सात का परिमित्र अंक तीन हो गया, तीन में ऊपर वाला अंक दो जोड़ देंगे, तो तीन और दो कितने हो गए, पांच हो गए। अब यहां अपने को परिमित्र अंक की आवश्यकता पड़ी है, अगर यहां हमें परिमित्र अंक की आवश्यकता पड़ी है तो आगे वाली संख्या का हम क्या कर देंगे, एक ही न्यून कर देंगे, एक न्यून का चिन्ह लगा देंगे। तो अब यहां कितना हो गया, सात हो गए। अब सात में से कितने घटाने हैं, तीन, तो सात में से तीन घटा दिए, पीछे कितने रह गए, चार रह गए। इस प्रकार से हम एक न्यूनेन पूर्वेण विधि जो है, उस विधि के माध्यम से हम घटाव जो है वो कर सकते हैं। ये तरीका भी बहुत अच्छा है, बहुत सरल तरीका है। छोटी कक्षा के भैयाओं को हम देखते हैं, उनको जब जोड़ बाकी सिखाई जाती है तो जोड़ तो वो अच्छी तरह से सीख लेते हैं, लेकिन जब घटाव में आते हैं तो उनके समस्या आ जाती है कि अब कैसे घटाएं। तो ये जो तरीका है, इसमें उनको बताना है कि इसमें आपको घटाना नहीं है, इसके अंदर आपको जोड़ना ही है। तो ऐसा कहेंगे तो वो सोचेगा अच्छा जोड़ है तो मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं है। फिर उसको बताना जैसे कि तीन में से सात नहीं जाते, तो सात के परिमित्र अंक के लिए तीन, और वो तीन तीन के अंदर जोड़ना है, तो तीन और तीन कितने हो गए, छः। इस प्रकार से उसके लिए ये जो है वो रोचक बन जाएगा। ये जो सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण विधि से घटाव हमने किया है, ये वैसे पाठ्यक्रम में चतुर्थी कक्षा का है, इसके साथ में पंचमी कक्षा के भैया जो है उनके भी पाठ्यक्रम में ही आएगा, तो वो भी इस वीडियो जो है उसको देख सकते हैं, इसकी सहायता ले सकते हैं। इसके सारे सवाल जो है वो आपको कॉपी के अंदर अच्छी तरह से हल करना है। आज के लिए इतना काफ़ी है, नमस्ते।